नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की एक और अनरिलीज मूवी के बारे में, जिसका नाम है सड़क छाप। और इस फिल्म में लीडिंग एक्टर्स के तौर पर दिखने वाले थे मिथुन चक्रवर्ती और राजीव कपूर के साथ साथ कई अन्य कलाकार। इसके अलावा इस फिल्म के निर्देशक थे केवल शर्मा। तो दोस्तों, ये बात इस साल 1985 की, जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था। अब अगर बात किया जाए इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की, तो दोस्तों इस फिल्म के साथ पहली बार बॉलीवुड के एक्शन हीरो मिथुन चक्रवर्ती और रोमांटिक स्टार राजू कपूर एक साथ स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहे थे, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन इस फिल्म के लिए काफ़ी दिलचस्प भी होने वाली थी। मिथुन चक्रवर्ती ने कपूर फैमिली के साथ इससे पहले उन्होंने स्क्रीन शेयर किया था, मगर राजू कपूर के साथ ये उनकी पहली फिल्म होने वाली थी, जहाँ ये फिल्म ट्रेलर के अनुसार काफ़ी मास एलिमेंट्स के साथ एक अच्छी एक्शन थ्रिलिंग फिल्म हो सकती थी। जहाँ इस फिल्म में एक कैरेक्टर मास रोल में और दूसरा कैरेक्टर एक क्लास रोल में नज़र आ सकते थे, और ऐसे फिल्मों में एक अच्छी स्टोरी लाइन, मेलोडीज, गाने, कॉमेडी और एक्शन जैसे एलिमेंट्स को क्लियरली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ऐसे फिल्म में क्लास और मास जैसे ऑडियंस को नो डाउट काफ़ी इंटरटेनिंग भी कर सकती हैं। अब अगर बात किया जाए इस फिल्म के निर्देशक केवल शर्मा के बारे में, तो दोस्तों उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ज़्यादातर फिल्में एक्शन ओरिएंटेड मूवीज़ को बनाया था, जैसे कि पाप की कमाई, जीते हैं शान से, मर मिटेंगे, मालामाल, गुनाहों का देवता, नमक और हीरालाल पन्नालाल जैसे फिल्में। और मिथुन चक्रवर्ती उनके ज़्यादातर फिल्मों में लीडिंग एक्टर के तौर पर नज़र आए थे। इसके अलावा उनके सारे फिल्मों के टाइटल्स भी काफ़ी यूनिक होने के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग वाइब्स भी क्रिएट करती हैं, जिसके चलते फिल्म के रिलीज़ होने के बाद ऑडियंस में फिल्म देखने की चाहत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इन सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, और इस फिल्म की शूटिंग को भी उसी साल शुरू कर दिया गया था, मगर कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद कुछ अननोन रीजंस के ग्राउंड पर ये फिल्म जो कि पूरी तरह से नहीं बन पाई और बीच में ही रुक गई थी। अगर ये फिल्म पूरी तरह से बनकर रिलीज़ होती थी तो आप सबकी इस फिल्म के बारे में क्या राय होती? ये फिल्म हिट होती, सुपर हिट होती या ब्लॉकबस्टर साबित होती? आप सबके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं VTVC बॉलीवुड, और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।